जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खालिद जावेद एंड आई एम क्रिएटिंग दिस कोर्स फॉर अब्दुल वली भाई। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक नंबर 2 कि आपने अमेजोन बेस्ट सेलर से किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो लेट्स हियर वी गो। सबसे पहले आप amazon.com ओपन करें, सही? या amazon.com ओपन करें या amazon.co.uk। उसके बाद फिर आप अपने लोकेशन चेंज करें। लोकेशन चेंज करने के बाद फिर आप इस तरह करें, आप अपनी लोकेशन USA चेंज करें या UK चेंज करें, जिस मार्केट में आप हंटिंग कर रहे हैं। सो आई एम डूइंग इन प्राइवेट इन द US मार्केट। मैंने ऑलरेडी इसको चेंज किए। आप सिंपली गूगल पर सर्च करें USA जिप कोड, USA जिप कोड, तो फिर आप उधर से कॉपी करके अपनी लोकेशन चेंज कर दें। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर आपके पास ये देखिए, आप ऑप्शन है अमेजोन बेस्ट सेलर, ये आप इस पर क्लिक करें। तो इधर क्लिक करने के बाद फिर अमेजोन बेस्ट सेलर्स, ये आपके पास इधर एक ऑप्शन है, इधर भी है और आपके पास इधर भी है अमेजोन बेस्ट सेलर। आप इस पर इधर क्लिक करें। जी मैंने जरा जूम कर दिया इसको। अच्छा, आपने इस पर अमेजोन बेस्ट सेलर पर क्लिक कर दिया। अमेजोन बेस्ट सेलर पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये आपके पास मुख्तलिफ जो अमेजोन पर बेस्ट सेलर्स है ना, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपके पास इसने शो कर दिए A to Z कैटेगरीज ही। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं रेंडमली दो तीन कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसमें से प्रोडक्ट हंट करता हूँ। लेट्स सपोज होम एंड किचन मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर करो, सही? ये मैंने रेंडमली कर दी। आप किसी भी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट फाइंड करना। अब इसमें से सब कैटेगरीज है, मुख्तलिफ सब कैटेगरीज है, इसमें भी सब कैटेगरीज है और इसमें भी सब कैटेगरीज है। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने इस पर हीलियम टेन का एक्सटेंशन रन करें। आपने ऑलरेडी वो इंस्टॉल किया होगा, तो आप इस पर हीलियम टेन का एक्सटेंशन रन कर दें। एक्सटेंशन रन करने के बाद फिर हीलियम टेन आपको इस स्पेसिफिक कैटेगरी में मुख्तलिफ प्रोडक्ट की शेयर वो स्टेट शो कर देगा कि मतलब इसमें पोजीशन क्या है, टॉप 10 में क्या पोजीशन है, किस तरह सेल्स रिव्यू जनरेट कर रही। जी अच्छा, ये मुझे डेटा लोड कर रहा है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना, आप अगर आप फर्दर इसको भी टारगेट कर सकते हैं, इसको भी टारगेट कर सकते हैं, फर्दर इस कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं रेंडमली कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी वो हीलियम 10 डेटा शो कर दे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोडक्ट आपने फाइंड किस तरह करना है। ये आपके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ मैथड्स के थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जी अच्छा, सबसे पहले आपने फिल्टर्स लगाना है। फिल्टर्स लगाने के बाद फिर आप इधर आकर रिमूव स्पॉन्सर पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर मीन वो प्रोडक्ट्स जो PPC कैंपेन्स के थ्रू स्पॉन्सर हो चुके हैं, सही? तो वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट आप रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि इसमें से मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट के रेवेन्यू भी अच्छा है और उसकी प्राइस सारा कुछ सही है। अच्छा, इसकी रेवेन्यू भी जबरदस्त है और इसका प्राइस भी 14 है। चलो मैं इसको एक पिक करता हूँ, और दूसरा फिर दूसरा इसका भी रेवेन्यू सही है, मैंने इसको भी क्लिक कर दिया। ये मैंने रेंडमली एक कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया अमेजोन बेस्ट सेलर में, फिर उसमें से उस कैटेगरी में मैं चेक कर रहा हूँ कि किस किस सेलर के पास सही रेवेन्यू और क्राइटेरिया के मुताबिक उसका प्राइस वगैरह है ना। मैं इसको फर्दर एनालाइज करूंगा, फर्दर इस पर अपना क्राइटेरिया फुल अप्लाई करूंगा वन बाय वन। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें 39 है, अच्छा इसका 16 है, इसका रेवेन्यू भी जबरदस्त है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। चलो मैंने ये तीन प्रोडक्ट क्लिक कर दी, सही है, जस्ट ओनली फ्रॉम दिस कैटेगरी। अब इसने मुझे ये अमेजोन बेस्ट सेलर है, ये भी अमेजोन बेस्ट सेलर है। अच्छा, मैं इसको करता हूँ लाइट वेट, सो मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी कर दी। अब मैं इस कीवर्ड की टॉप 10 पोजीशन चेक करता हूँ कि इस कीवर्ड में टॉप 10 पोजीशन किस तरह है, क्या हम इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते कि नहीं जा सकते, क्या इस प्रोडक्ट में हमारा वो चांस है कि नहीं है। मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर दिया, रेंडमली एक प्रोडक्ट पिक कर दी।
और उसके बाद फिर मैं इस पर हीलियम 10 रन करूंगा। एक ये प्रोडक्ट है, आप इसके कीवर्ड को कॉपी करें और चेक कर देखिए इसकी इसमें पोजीशन है कि नहीं। इस तरह आप वन बाय वन प्रोडक्ट चेक करेंगे। लेट सपोज आप स्क्रॉल डाउन करें, ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ होम एंड किचन कैटेगरी कर दी और उसमें से मैं रेंडमली प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अगर आप जितने ही आप इस पर कैटेगरी टारगेट करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस पर टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप मुख्तलिफ कैटेगरी पर बार बार मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू वो हंटिंग करेंगे, तो आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। स्टार्ट में आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एक अच्छी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करना, लेकिन जैसे ही आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करेंगे, तो उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। अच्छा, मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं ये रहा लाइट, मैं इस पर जस्ट क्लिक एंड सर्च के अमेजोन इस पर पोजीशन किस तरह है, मतलब क्या हम इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जो हमारा क्राइटेरिया था जो हमने डिस्कस किया था, हम वो क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट पर अप्लाई करते हैं। ये था हमारा क्राइटेरिया कि आप सबसे पहले सॉर्ट बाय रेवेन्यू करते हैं, रिमूव रिलेवेंट प्रोडक्ट करते हैं, अवॉइड डुप्लीकेशन हम चेक करते हैं। हाँ, इस पर भी मैं वो उन टू रन करता हूँ और इस पर भी रन करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या। अच्छा, ये मुझे हीलियम 10 एक्स प्रोडक्ट की एक्सरे कर रहा है कि हम इस पर देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए पोटेंशियल है कि नहीं, क्या हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते नहीं कर सकते, क्या हम इस प्रोडक्ट को हंट कर सकते, आगे प्रोडक्ट क्लाइंट को सेल कर सकते कि नहीं कर सकते। आप फिल्टर्स लगाए, रिमूव फिल्टर्स करें, रिमूव स्पॉन्सर करें और उसके बाद फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जो हमारा सेकंड शिफ्ट था, रेवेन्यू को हाई टू लो करना, मैंने रेवेन्यू को हाई टू लो कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें प्राइस किस तरह है, प्राइस कंसिस्टेंसी ही 14 से लेकर 40 के दरमियान, या किसी का 14 है या किसी का 400 या अब ज्यादा अप डाउन ना। अच्छा, अगर हम देख ले इसका 19 है, फिर 71। अच्छा, इसका हाई है 20 20 20 17। अच्छा, सिर्फ सिर्फ इस बारे ये भी हो सकता है कि इरेलेवेंट प्रोडक्ट हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये है कि आपका प्राइस जरा इसमें जरा हाई है, हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक प्राइस होना चाहिए आपके पास 14 13 से 14 के दरमियान, इसमें 37 है, 71 है। अच्छा, सेल इसकी जबरदस्त है, हम चेक करते हैं कि इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी, अमेजोन डोमिनेंसी वगैरह तो नहीं है। मैं इसको दोबारा करता हूँ। अच्छा, ये अब इसको मर्दर फर्दर करते हैं और ये रहा। अच्छा, इसमें रिव्यू काउंट देखते हैं, 33 लेक हो, 35 हो, 29। दिस मीन इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, रिव्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो हम इस प्रोडक्ट को सिंपली स्किप करेंगे क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सही सही हो गए, आपने एक प्रोडक्ट चेक कर दी इस तरह, तो आपने उस पर क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया। इस तरह वन बाई वन प्रोडक्ट आप चेक करेंगे, उस पर क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक थी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आप उसको सिंपली रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें से मैं एक्सरसाइज एंड फिटनेस सब कैटेगरी को टारगेट करता हूँ और इसके चलो इस कैटेगरी को आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपने अमेजोन बेस्ट सेलर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी को टारगेट कर दिया, आप इस पर भी एक रन कर सकते हैं। अगर आप फर्दर मैं मतलब मजीद सब कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, वन बाय वन एक्सेसरीज को कर सकते हैं, इस तरह आउटडोर फैन, ये वन बाय वन कैटेगरी को आप टारगेट कर सकते हैं ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है बस, जो क्राइटेरिया के मुताबिक हो। मैं इस पर वो रन करता हूँ हीलियम 10 और इस प्रोडक्ट की मुख्तलिफ स्टेट चेक करता हूँ कि क्या इसमें हमारा पोजीशन है कि नहीं। ये हीलियम 10 टूल है, ये आपको इस एक्सरसाइज एंड फिटनेस इक्विपमेंट का मुख्तलिफ प्रोडक्ट की मुख्तलिफ स्टेट शो करता है, जितने भी प्रोडक्ट जो हाई हाई रेवेन्यू वाले, हाई हाई रिव्यू वाले हैं। इसमें से इसका प्राइस जो है 39, मैं जरा चेक करता हूँ कि जिसकी प्राइस कम हो, कोई 20 25 तक हो और इसका रेवेन्यू भी सही हो। चलो, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन दिस वन और प्राइस के वाले से 24, इसको मैंने एक ओपन कर दिया
और दूसरा 14 को मैंने ओपन कर दिया, ये दो मैंने ओपन कर दी। आप इस तरह आपको अंदाजा हो जाता है कि आप वन बाय वन, ये देखिए आपके पास ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है, आप इसको वन बाय वन ओपन करें, फिर उसकी कीवर्ड को कॉपी करें। लेट्स सपोज इसका जो कीवर्ड है इसके कीवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसकी चेक करता हूँ कि क्या इसमें हमारा पोजीशन हो सकता है कि नहीं। चलो मैं इसको भी क्लिक करता हूँ। तो प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस पर टाइम कंज्यूम करेंगे, उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। चलिए सपोज मैं इसका ये कीवर्ड कॉपी करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करें या चाइना से सोर्स करें, हंट करें। मैंने इसकी मेन कीवर्ड, हमेशा आप जब भी प्रोडक्ट हंट करते तो आप उसकी मेन कीवर्ड को कॉपी करते और उस मेन कीवर्ड को लेके आगे उसके तमाम स्टेट चेक करते हैं। उसका गूगल ट्रेंड हो गया, उसकी सर्च वॉल्यूम, उसकी टॉप 10 डोमेन्स, अमेजोन डोमेन्स, ये सारा कुछ आप उस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट आप चेक करते हैं। मैं इस पे एक्सरे रन करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू रन एक्सरे ऑन दिस प्रोडक्ट ताकि मुझे ये स्टेट शो कर सके क्या इसमें क्या पोजीशन है, क्या हम इसको कर सकते हैं लॉन्च के नहीं। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद फिर ये मुझे वन बाय वन शो कर देगा। अब मैं इस पे क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा कि जो हमारा क्राइटेरिया था प्राइस वगैरह वाला, क्या उस ये उस क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है तो दिस मीन के प्रोडक्ट गुड है, हम उसको लेके आगे इसकी सोर्सिंग और इस क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है क्राइटेरिया के मुताबिक, उसमें रेवेन्यू कम है या उसमें रिव्यू कम है या उसमें रिव्यूज ज़्यादा है या अमेजोन डोमिनेंसी है, ब्रांड डोमिनेंसी है, या वो लिस्टिंग न्यू है पुरानी है, तो हम इसको वन बाय वन चो चेक करेंगे। इस पर फिल्टर और ये स्पॉन्सर मैंने रिमूव कर दी और स्पॉन्सर रिमूव करने के बाद फिर मैंने रेवेन्यू को हाइट लो कर दिया। हाइट लो मतलब कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं ये मेरे पास हाइट लो रेवेन्यू हो गया। अच्छा मैं चेक करता हूँ कि प्राइस इनकंसिस्टेंसी तो नहीं इसमें। अच्छा 13, 12, 20, दिस मीन के ये 14 से लेकर 30, 14, 14, 40 के दरमियान प्राइस है। ओके अच्छा ब्रांड डोमिनेंस इसमें है कि नहीं, ब्रांड इसमें चैंपियन चैंपियन 2 दफ़ा है, ये हीनेस 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 ये 3 दफ़ा है, तो दिस मीन्स में इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। एक चैंपियन चैंपियन और चैंपियन, इसमें ब्रांड 3 दफ़ा डोमिनेंट है और इसमें ये ब्रांड भी डोमिनेंट, तो ऑब्वियसली हम इस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। ऑल्दो इसका प्राइस भी सही है, रेवेन्यू भी सही है और रिव्यू के हवाले से अगर हम इसको चेक कर सके तो इसके रिव्यू बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा इसमें अमेजोन भी है, वो अमेजोन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स इसमें अमेजोन सेल कर रहा है, तो दिस मीन कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी जीरो प्रोडक्ट है, फ्लॉप प्रोडक्ट है, तो हम इस प्रोडक्ट को इधर से स्किप करेंगे। इधर से हमने इस प्रोडक्ट को स्किप कर दिया। तो ये बेसिकली आपका एक टेक्निक के मतलब आप अमेजोन पर जो बेस्ट सेलर्स है, जो अमेजोन के बेस्ट सेलर्स है, अमेजोन बेस्ट सेलर किस तरह डिसाइड करता है उनकी सेल पर, उनकी बीएसआर पर, जो अमेजोन की बेस्ट सेलर से आपने उसके थ्रू प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है, ये एक टेक्निक था। आप इस पर प्रैक्टिस करें आपको मस्त इंशाल्लाह प्रोडक्ट मिल जाएंगे। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप अमेजोन पर चले जाएं, लोकेशन चेंज कर दें। अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो यूके की लोकेशन चेंज कर दें, अगर आप यूएसए में हंडिंग कर रहे हैं तो यूएस की तरफ चेंज कर दें। उसके बाद फिर आप इसमें से 2, 3, 4 कैटेगरी को टारगेट करें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ सिर्फ एक कैटेगरी को टारगेट करें। सपोज मैं सिर्फ सिर्फ स्पिरिट सप्लायर कैटेगरी को टारगेट करता हूँ, मैंने आज सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी को टारगेट कर दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट सप्लायर में प्रोडक्ट फाइंड करूंगा।
आप इसमें मुख्तलिफ और भी कैटेगरी को ट्राई कर सकते हैं। सपोज मैं स्मॉल एनिमल्स, ये दो के सब कैटेगरी को मैंने टारगेट कर दिया। अब बस अब इस पर मैं अब इसमें आपके पास और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज है। चलो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इस पर वो क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ। मैं इस पर गूगल ये एक्सट्री रन करता हूँ, और एक्सट्री रन करने के बाद फिर मैं इस पर कुछ इस तरह प्रोडक्ट शायद मिल जाए जो क्राइटेरिया के मुताबिक हो, तो हम उसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। अगर नहीं मिले तो हम दूसरे कैटेगरी की तरफ जाएंगे, दूसरे टेक्निक फॉलो करेंगे। आप इस पर एक्सरे रन करेंगे, और एक्सरे रन करने के बाद फिर ये आपको इस स्पेसिफिक कैटेगरी में, इस स्पेसिफिक नीच में आपको प्रोडक्ट शो कर देगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपको शो कर देगा। फिर आप उसमें से वन बाय वन ओपन करें, और लेट सपोज ये इसका जो प्राइस है वो 17 है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और इसका जो प्राइस है 34 है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका जो प्राइस है ये है 13, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये मैंने मुख्तलिफ वन बाय वन प्रोडक्ट ओपन कर दी। अब मैं बेसिकली करूंगा क्या कि मैं मतलब ऑयल सनफ्लावर ये कीवर्ड है, मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं इस कीवर्ड को कॉपी करूंगा और इस कीवर्ड को अमेजोन पर सर्च करूंगा, और फिर इस कीवर्ड की इस प्रोडक्ट की टॉप 10 में मैं अपनी प्लेसमेंट पोजिशन फाइंड करूंगी। क्या मैं इस प्रोडक्ट में कर सकता हूँ? अगर मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ तो क्या मेरी चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगी या ना रहेगी? अब मैं इस पर हीलियम 10 का एक्सटेंड करूंगा। इसकी ऑयल सनफ्लावर एक मेन कीवर्ड है। अब मैंने इस पर वो हीलियम 10 का एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे शो करेगा कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए गुड है और नहीं है, तो ये अब ये हीलियम 10 हमें बताएगा। बाकी सारे टैब क्लोज करता हूँ। इट इज लोडिंग, डेटा लोड करना है। तो अगर आप लेट सपोज चाहते हैं कि मैं यूके मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग करूं अपने क्लाइंट के लिए, तो आपके पास ये यूके क्राइटेरिया है, और आप उसके उधर जाकर यूके में आप हंटिंग करें। अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस में कर दें। अगर आप इसके अलावा और अदर मार्केट प्लेस में हंटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें कर दें, नो इशू। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हंटिंग करें। कोई किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग वो बेस्ट सेलर्स सही टेक्निक होगा, वो उसे फाइन करेगा। किसी के लिए वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके थ्रू कोई फाइन करेगा। तो हर किसी का वो अपना एक वो वे ऑफ हंटिंग है, किस तरह प्रोडक्ट फाइन करते हैं आप। ये सारे टेक्निक्स से आप इसको किसको जो भी आपको जबरदस्त लगे, बेस्ट लगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं स्पॉन्सर रिमूव करता हूँ, और स्पॉन्सर रिमूव करने के बाद फिर मैं रेवेन्यू को हाई लो करता हूँ। अब ये मुझे टॉप 10 शो कर रहे हैं। इसमें प्राइस इनकंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, ब्रांड्स इसमें वन टाइम टू टाइम नहीं, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है। प्राइस भी ओके है। रेवेन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो हमारा क्राइटेरिया था ना, उसमें ये था कि जो आपका 10 नंबर सेलर है ना, 9 और 10 नंबर सेलर से उसका कम से कम 15,000 रेवेन्यू होना चाहिए। इस केस में हाँ, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 13,000 है। एनी हाउ चलो हम कंसिडर कर लेते हैं इसका, चलो इसका रेवेन्यू सही है। बाकी इसके रिव्यू चेक करते हैं कि इसका रिव्यू किस तरह है। 500, 1100, आई मीन टू से 3000, 4000, 10,000। अच्छा, 10,000, ये आपके पास 11,000 सारे रिव्यूज है टॉप 10 के। 11,000 डिवाइड बाय 10 एंड 10 से डिवाइड कर दिए, मेरे पास आ गए 1100। और जो हमारा तक कि मैक्सिमम 1500 तक ओके है, मिनिमम जितने भी कम हो वो नो मैटर। तो दिस मीन कि ये प्रोडक्ट इसमें पोटेंशियल है, हम इसको कर सकते हैं। मीन टू से कि मतलब ये जरा क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो इसका रेवेन्यू जो 10 नंबर सेलर का था वो जरा कम था। बाकी इसमें हम चेक करते हैं कि अमेजोन है कि नहीं है। इसमें अमेजोन 2 दफा सिर्फ इसमें अमेजोन है, और इसके अलावा हम इसके लिस्टिंग लाइव चेक करते हैं कि इसमें ये कब लॉन्च हो चुका था। FBA, अमेजोन FBA।
तो ये बेसिकली था आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, क्या आप बेस्ट सेलर के थ्रू किस तरह प्रोडक्ट हंट करेंगे। तो अगर आपको किसी भी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले टूल के बारे से। मैंने वो काफी लोग पूछ रहे थे कि टूल का क्या करें, तो टूल का इस तरह है कि आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करें, और अगर आप चाहते कि हम इसको मतलब पेड वर्जन बाय करें तो आपको 13-1400 में मिल जाएगा। आप उसको बाय करें और इस पर प्रैक्टिस करें और अपनी प्रोडक्ट हंटिंग स्किल को इम्प्रूव करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।